हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, KGMU की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक साथ 5 नई भर्ती लेकर आ चुका हूं। जी हां, प्रोजेक्ट बेसिस पर ये नई वैकेंसी KGMU लखनऊ की तरफ से निकाली गई है। आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ यहां पे KGMU की तरफ से 5 नई भर्ती आ चुकी है। अलग अलग यहां पे लास्ट डेट है, 3 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन यहां पे होने वाला है। तो जी हां दोस्तों, KGMU सीधी भर्ती 2024 KGMU की तरफ से, KGMU लखनऊ की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर, MTS, काउंसलर, टेक्निकल ऑफिसर, सोशल वर्कर, इसके अलावा विभिन्न पदों पर नई वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ 5 नई नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे KGMU लखनऊ के करियर पेज पर, जहां पे सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके पांचों नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आपको जाना है गूगल पर, आपको सर्च करना है KGMU। जैसे KGMU आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पर देखिए KGMU की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। करियर का यहाँ पे ऑप्शन है, आपको करियर वाले पेज पर ही जाना है। यहाँ पे जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियल जो है मिल जाएगी। आपको जाना है करियर पेज पर और यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, जैसे आप लोग करियर पेज पर जाओगे तो यहाँ पे जो पेज है, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे देखिए जो पेज है ओपन हो चुका है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी चौक लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया, KGMU लखनऊ, बिल्कुल ऑफिशियल करियर पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर देखोगे 16 जुलाई की डेट में 3 नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। 1, 2, 3 आप लोग नोट कर सकते हो। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये जो है 3 नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है 16 जुलाई की डेट में, और 20 जुलाई की डेट में जो है 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश किया गया है। टोटल देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ 5 नई नोटिफिकेशन निकाला गया है। और अभी इसकी डेट भी है, यानी अभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, अभी आप लोग इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हो। प्रोजेक्ट बेसिस पर ही वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। एक एक करके जानकारी देंगे। सबसे पहले नंबर 1, 20 जुलाई की डेट में जो है पब्लिश किया गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड MTS की वैकेंसी है। इस पर आप लोग क्लिक करोगे, विज्ञापन 2 सेकेंड के अंदर ओपन हो जाएगी। एक पेज का फुल नोटिफिकेशन है, आप लोग देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया, 226003, हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री यूनिट, NCDIR, ICMR बेस पर वैकेंसीज। डेट मेंशन है 20 जुलाई 2024, रेफरेंस नंबर पढ़ लेना। विज्ञापन है जो कि प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पर यह वैकेंसी निकाली गई है, और ये दोस्तों 2.7 ईयर्स के लिए वैकेंसी है। प्रोजेक्ट बेसिस पर जो आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 2 साल 7 महीने रखी गई है, यानी कि जो आप लोगों की जॉब ड्यूरेशन है 2 साल 7 महीने के लिए होने वाली है। बाकी आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर अच्छी होगी तो आपके परफॉर्मेंस के बेस पर जो आपकी जॉब ड्यूरेशन है उससे यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाएगी। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर Grade A की वैकेंसी है, 17,000 रुपये पर मंथ है सैलरी मिलेगी। एक वैकेंसी है, ऑल कैटेगरी फॉर्म भर सकते हो, 12वीं पास कर रखे हो और आपने ADCA कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, या फिर आपने CCC कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसी है, और MTS की जो वैकेंसी में 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ है, और MTS की जो वैकेंसी इसमें 10वीं पास कर रखे हो, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। आप लोग जो है ईमेल के माध्यम से जो अपना CV है, CV प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एक सिंगल PDF बना लेना है, और सिंगल PDF बना के आप लोगों को ये जो ईमेल ID दिया गया है, इस ईमेल ID पर 3 अगस्त तक भेज सकते हो। 3 अगस्त तक आप लोग क्या कर सकते हो, CV के साथ एक्सपीरियंस, मार्कशीट, सब कुछ अटैच करके सिंगल PDF आप लोग इन्हें मेल कर सकते हो।
3 अगस्त तक जब आप लोग इन्हें मेल कर दोगे, इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग पहले किया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्क्रीनिंग होगी, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसके लिए ईमेल के माध्यम से फ़ोन कॉल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो और किस दिन आपका इंटरव्यू है, वेन्यू क्या है, सब कुछ आपके ईमेल के माध्यम से फ़ोन नंबर पर बताया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा और इसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है और यहाँ पे देखोगे तो एक ही वैकेंसी है, इसमें भी ऑल कैटेगरी फॉर्म भर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सोशल वर्कर की वैकेंसी है, 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें अगर आपने मास्टर्स कर रखा है सोशल वर्क में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ICMR बेस पर ये वैकेंसी प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पर निकाली गई है और यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे देखोगे तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया 226003 हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री यूनिट से वैकेंसी ये भी निकाली गई है। और ये भी दोस्तों 2.7 ईयर्स जो है जॉब ड्यूरेशन होगी, इसके लिए भी आप लोग सेम तरीके से 3 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप लोग बैक आइए और यहाँ पे देखिए 16 जुलाई की डेट में 3 नोटिफिकेशन निकाला गया है। एक OST की यहाँ पे वैकेंसी, यानी कि OST सेंटर पर जो है ये वैकेंसी काउंसलर की, और यह डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री KGMU लखनऊ से वैकेंसी है। इसमें काउंसलर की वैकेंसी है OST सेंटर के लिए है, याद रखिएगा। और काउंसलर की एक वैकेंसी है, इसमें भी अगर आपने सोशल वर्क या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी या सोशल साइंस से अगर आपने मास्टर्स कर रखा फॉर्म भर सकते हो। जो MPhil कर रखे हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, 21,000 रुपये पर मंथ है, बिल्कुल आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। बाकी यहाँ पे सब कुछ मेंशन देख लो। यहाँ पे देखोगे तो OST सेंटर OST प्रोग्राम के तहत ये वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग बैक आइए और यहाँ पर देखिए फिर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी है, तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का भी वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक वैकेंसी, 30,600 रुपये सैलरी मिलेगी। 3 ईयर्स अगर आपने लाइफ साइंसेज में ग्रेजुएट कर रखे हो प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है एंड मास्टर्स कर रखा है लाइफ साइंस में, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। 22 जुलाई शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। 23 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा, कहाँ पर होगा तो सब कुछ मेंशन है, पढ़ लो। और जॉब ड्यूरेशन आप लोगों का 3 साल रखी गई है, बाकी यहाँ पे नीचे सब कुछ मेंशन है, एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिए। ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा, याद रखिएगा, जी हाँ। इसके बाद चलिए लास्ट में यहाँ पे 5वां नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री से वैकेंसी है। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो है लास्ट नोटिफिकेशन काउंसलर की है, इसमें भी बिल्कुल क्वालिफिकेशन सेम है, सब कुछ यहाँ पर सेम है। इसके लिए आप लोग 27 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो, 27 जुलाई सैटरडे शाम को 4 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। 1 अगस्त को इंटरव्यू होगा सुबह 11 बजे। बाकी एक एक करके सारी नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से रीड कर लो। मैंने आपको KGMU लखनऊ की तरफ से 5 नोटिफिकेशन निकाली गई है, अपडेट मैंने आपको अच्छे तरीके से दे दी है। धन्यवाद।